डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको द टॉकिंग टूर चैप्टर के बारे में बताऊंगा, साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द टॉकिंग टूर, बातें करने वाला मेंढक, टूर मतलब मेंढक। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, ज़्यादातर जो सफल लोग होते हैं। आई हैव नोन, जिनको मैं जानता हूँ। आर द वंस हु डू मोर लिसनिंग दैन टॉकिंग, वे लोग जो ज़्यादा सुनते हैं और बातें कम करते हैं। बर्नार्ड एम बारूच इस बात को कह रहे हैं, लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना, और स्किल मतलब कौशल या गुण। बातचीत करने का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो गुण है वो है लिसनिंग, सुनना। अ गुड लिसनर लर्न्स मोर देन एन इनडिफरेंट लिसनर डस। इनडिफरेंट यानी कि जो सुनने में कम रुचि रखता है ऐसा व्यक्ति, और जो गुड लिसनर, अच्छा जो सुनने में रुचि रखता है, लर्न्स मोर, ज़्यादा उसको सीखने को मिलता है। लिसनिंग स्किल हेल्प्स अस इन बिकमिंग सक्सेसफुल। जो लिसनिंग स्किल है, जो हमारा सुनने की जो कौशल है, गुण है, वह हमें सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। बट समटाइम्स आवर ईगो बिकम्स अ बैरियर इन लिसनिंग टू अदर्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो ईगो है, हमारा जो अभिमान है, अहंकार है, वह हमें रोकता है, बैरियर मतलब वह बाधा बनता है इन लिसनिंग टू अदर, दूसरों को सुनने में। दूसरे की बात को सुनते नहीं हम कई बार अपनी ईगो के कारण। एंड वी मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग विच माइट प्रूव हेल्पफुल फॉर अस इन लाइफ। और हम उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर को मिस कर देते हैं, खो देते हैं। लर्निंग विच माइट प्रूव हेल्पफुल फॉर अस इन लाइफ, जो हमें जीवन में हेल्पफुल हो सकता है, हमारा जो लर्निंग है सीखने में। वट सॉर्ट ऑफ लिसनर योर आर, गुड और बैड। तो ये सवाल है आपसे कि आपके जो लिसनर है, आप जब बात करते हैं किसी से, तो वो कैसे, मतलब वो गुड है और बैड है, मतलब सुनते हैं आपकी बात या नहीं सुनते हैं। वट सॉर्ट ऑफ लिसनर योर आर। चलिए अब इस चैप्टर को देखते हैं, इसमें क्या है। वन डे एन ओल्ड फार्मर कॉल्ड हिज थ्री सन्स टुगेदर एंड सेट। एक दिन एक फार्मर, ओल्ड फार्मर मतलब एक बूढ़ा किसान, कॉल्ड हिज थ्री सन्स, उसके जो तीन बेटे हैं उनको बुलाता है, टुगेदर मतलब साथ, और कहता है, अ थीविंग एनिमल इज डिस्ट्रॉइंग माई कॉर्न। एक ऐसा एनिमल जो चुपके से उनकी फसल को डिस्ट्रॉय कर रहा था, आई विल गिव एवरीथिंग आई ओन टू द वन ऑफ यू हु स्टॉप्स द एनिमल। और कहता है जो उस एनिमल को रोकेगा, स्टॉप करेगा, उसको वह अपना सब कुछ दे देगा, जो भी उसके पास, ओन मतलब उसका अपना जो कुछ भी है, वह उस बेटे को देगा। वन ऑफ देम, वन ऑफ यू मतलब उनमें से एक को, तुम में से एक को, जो उस एनिमल को, उस जानवर को रोकेगा फसल को डिस्ट्रॉय करने पर। अल्बर्ट द एल्डेस्ट सन सेट आउट फर्स्ट। सेट आउट मतलब सबसे पहले जो है, अल्बर्ट पहला बेटा है, अल्बर्ट जो एल्डेस्ट है सबसे बड़ा है, वो सबसे पहले जाता है। ऑल आई नीड इज अ गुड
हॉर्स एंड अ गन, आई विल बी बैक सून, ही बूस्टेड। वह अपने घोड़े को लेकर और गन को लेकर वहाँ से चला जाता और कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। हाफ वे टू द कॉर्नफील्ड, फसल के जो खेत थे वहाँ पर, हाफ वे मतलब आधे रास्ते में, अल्बर्ट केम टू अ डीप वेल, एक गहरे कुएं, डीप वेल मतलब गहरे कुएं के पास पहुँचता है। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड वाटर हिज हॉर्स, वहाँ पर वो अपने घोड़े को पानी पिलाने और थोड़ा रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए रुकता है। बिसाइड द वेल सेट अ स्मॉल टोड, वहाँ पर वेल मतलब उस कुएं के साथ ही जो है एक छोटा सा टोड मेंढक था। अ टोड सेड इफ यू प्लान टू कैच द थीफ यू नीड, अगर तुम योजना बना रहे हो थीफ को पकड़ने की, उस चोर को पकड़ने की जो फसल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यू नीड टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात को सुनना चाहिए। ये कहता है वो स्मॉल टोड, एक छोटा सा मेंढक इस बात को कहता है। यहाँ बीच में आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। जैसे थीविंग मतलब स्टीलिंग थिंग्स, चीज़ों को चुराता है। कॉर्न मतलब एनी प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ग्रेन एज व्हीट मेज एट्सेट्रा, ऐसी फसल जो अनाज उगाते हैं ऐसे प्लांट्स को कॉर्न कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, मेज मतलब मक्का हो गया। गिव वाटर टू एन एनिमल टू ड्रिंक, वाटर मतलब गिव वाटर टू एनिमल टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी देना एनिमल को। अल्बर्ट वॉज टायर्ड, अल्बर्ट थक चुका था एंड हॉट और गुस्से में भी था। ही स्नैप्ड व्हाई शुड आई लिसन टू टोट, वो कहता है कि उसको उसकी बात क्यों सुननी चाहिए। ही पिक्ड अप द स्मॉल टोट फ्लंग इट इन टू द वेल, वो उस टोट को उठाता है और फ्लंग इट मतलब छोड़ देता है, गुस्से से फेंक देता है इन टू द वेल कुएं में। कंटिन्यूड ऑन हिज वे, अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता है। ही रीच्ड द कॉर्नफील्ड एंड स्टेड ऑल आफ्टरनून एंड ऑन इन टू द नाइट, वह वहाँ पर स्टेड मतलब ठहरता है, रुकता है आफ्टरनून में, दोपहर में और रात को भी रुकता है। बट द थीविंग एनिमल नेवर अपीयर, पर जो थीविंग एनिमल है जो फसल को डिस्ट्रॉय कर रहा था, वह जानवर वहाँ पर अपीयर नहीं होता, उसको दिखाई नहीं देता है। अल्बर्ट केम बैक एम्प्टी हैंडेड, वह खाली हाथ ही वहाँ से वापस आ जाता है। एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ। ही हैड फेल्ड, वो फेल हो चुका था अपने कार्य में, असफल हो चुका था। द नेक्स्ट डे बॉब द सेकेंड सन सेट ऑफ फॉर द कॉर्नफील्ड, दूसरा बेटा बॉब, पहला बेटा अल्बर्ट। तो दूसरा बेटा क्या करता है, द नेक्स्ट डे बॉब द सेकेंड सन सेट ऑफ फॉर द कॉर्नफील्ड, वहाँ पर कॉर्नफील्ड मतलब वो फसल के खेतों में जाता है। व्हेन ही रीच्ड द डीप वेल द टोड वॉज स्टिल देयर, वह जो टोड था मेंढक था वहीं पर था। स्टिल देयर मतलब वहीं पर था। जब वो वहाँ पर पहुँचता है कुएं के पास, द टोड सेड यू प्लान टू कैच द थीफ यू नीड टू लिसन टू मी, नीड मतलब जरूरी है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, अगर तुम उस थीव उस चोर को पकड़ना चाहते हो जो फसल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टू कैच मतलब पकड़ना चाहते हो। विदाउट अ वर्ड बॉब पिक्ड अप द टोड एंड टॉस्ड इट इनटू द डीप वेल, बिना एक शब्द बोले बॉब उस टोड को, उस मेंढक को पकड़ता है और टॉस्ट मतलब उछाल कर फेंक देता है उस गहरे कुएं में। आफ्टर शॉर्ट रेस्ट ही
रोड ओवर द कॉर्नफील्ड। थोड़े समय विश्राम करने के बाद वह फिर से रोड ओवर मतलब सवार हो जाता है, हॉर्स पर राइडिंग करता है, सवारी करता है और उस फील्ड की ओर, कॉर्नफील्ड की ओर चल देता है। टू हिज सरप्राइज बॉब सॉ लार्ज वाइट बर्ड ईटिंग द कॉर्न। वह हैरान हो जाता है कि एक बड़ा सा पक्षी, उस लार्ज वाइट बर्ड, एक बड़ा सफेद कलर का, वाइट कलर का जो बर्ड है वह ईटिंग द कॉर्न, उस फसल को खा रहा था। एज द बर्ड टुक फ्लाइट बॉब शूट इट एट इट। मतलब जब बॉब देखता है कि वह बर्ड जो है उड़ रहा है, वह उस पर शॉट एट इट मतलब उस पर अटैक कर देता है। टू लॉन्ग टेल फीदर फ्लोटिंग डाउन। तब दो पूंछ के, उस बर्ड की पूंछ के जो फेदर्स थे, जो पंख थे, वो फ्लोटी डाउन मतलब उड़ते हुए नीचे गिरते हैं। बट द बर्ड एस्केप्ड, पर जो बर्ड है वो बच जाता है। बॉब कलेक्टेड द फीदर्स एंड ट्रग्ड होम। और फिर वापस घर की ओर चल देता है। ऑन द वे ही मेड अप अ स्टोरी। और घर को जाते समय वो एक कहानी बना लेता है अपनी तरफ से कि किस तरह से वो अपने फादर को कन्विंस करेगा, सहमत करेगा अपनी कहानी को बना के। आई हैव किल्ड द थीविंग बर्ड। वो कहता है कि, सोच रहा होता है कि मैं उस बर्ड को मैंने किल कर दिया, मार दिया। बॉब बूस्टी टू हिज फादर एंड ब्रदर, हियर आर इट्स फेदर, बट द फादर वॉज नॉट फूल्ड। वो उस कहानी को बताता है कि उसने उस बर्ड को किल कर दिया है और ये उसके पंख है, लेकिन जो फादर है वो मूर्ख नहीं बनता है। यू हैव ओनली द फीदर ऑफ द बर्ड, द टास्क इज नॉट येट फिनिश्ड। टास्क होता है काम। इज नॉट येट फिनिश्ड मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है कार्य। यू हैव ओनली द फीदर ऑफ द बर्ड, तुम्हारे पास केवल उस बर्ड के पंख है, सेड द फादर। देन ही टर्न्ड टू हिज यंगेस्ट सन एंड सेड, नाउ इट इज योर टर्न टू गो फॉर द थीविंग बर्ड। अब तुम्हारी बारी है उस थीविंग बर्ड की तरफ जाने की, ये अपने यंगेस्ट सन से कहता है। डेविड, जो थर्ड सन है उसका नाम है डेविड। द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, सेट ऑफ फॉर द कॉर्नफील्ड। व्हेन ही रीच्ड द वेल, द सेम थिंग हैपेंड। जब वो कुएं के पास पहुंचता है, फिर से वही बात होती है जो उन दो भाइयों के साथ हुई थी। द टोर सेड, इफ यू प्लान टू कैच द थीफ यू नीड टू लिसन टू मी। अगर तुम चाहते हो या तुम प्लान कर रहे हो, योजना बना रहे हो उस पक्षी को पकड़ने की, उस तो आपको उसके लिए मेरी बात को सुनना होगा। यू नीड टू लिसन टू मी। डेविड वॉज प्लीज्ड टू सी द टोड एंड रिप्लाइड। डेविड वॉज प्लीज्ड, प्लीज्ड होता है खुश हो जाता है, टू सी उस टोड को देखकर, एंड रिप्लाइड और उत्तर देता है। थैंक यू टोड फॉर ऑफरिंग योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए आपने प्रस्ताव दिया, उसके लिए धन्यवाद। इफ़ यू हेल्प मी फाइंड द थीव आई विल कीप यू विद मी फॉर एवर। अगर तुम मेरी मदद करोगे उस थीव को पकड़ने के लिए, थी मतलब चोर जो फसल को डिस्ट्रॉय कर रहा था, यहाँ पर है थीव एनिमल या थीव बर्ड जो है वो उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूँगा। आई विल कीप यू विद मी फॉर एवर। द टोर सेड, एट द बॉटम ऑफ द वेल इज द मैजिक स्टोन, आई विल गेट इट फॉर यू एंड इट विल ग्रांट यू एनी विश। इस कुएं के बॉटम, बॉटम मतलब तल में, ये आपका कुआं है, ये इसका टॉप है,
ये इसका बॉटम है। तो यहाँ जो बॉटम है यहाँ पर एक मैजिक स्टोन है, ये एक जादुई पत्थर है। आई विल कैट इट फॉर यू इफ़ यू एंड इट विल ग्रांट यू एनी विश, और ये तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरा कर सकता है। द टोड डाइव्ड डाउन इन टू द वेल, डाइव्ड मतलब छलांग लगाता है उस कुएं में। ब्रॉट ब्रॉट अप द मैजिक स्टोन, और जादू पत्र को लेकर आता है। गे बी टुक डेविड, डेविड को देता है। डेविड टुक द स्टोन इन हिज हैंड एंड सेड आई विश फॉर अ काइंड एंड लविंग वाइफ, मुझे एक दयालु और प्यार करने वाली वाइफ चाहिए, पत्नी चाहिए। आई ऑल्सो विश यू फॉर अ वे टू कैच द एनिमल दैट इज स्टीलिंग माय फादर्स कॉर्न, और वो एक विश और करता है, एक इच्छा और करता है कि वो अपने जो उनकी एनिमल जो उनके फादर की फसल को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्टीलिंग चुरा रहा है, उसको वो कैच कर सके। दो विशेज मांगी, एक लविंग वाइफ और एक एनिमल को कैच करने की। देन ही सेट ऑफ द टू द कॉर्नफील्ड विद द स्मॉल टोड, और स्मॉल टोड को साथ में लेकर, छोटे से मेंढक को साथ में लेकर उस कॉर्नफील्ड की तरफ चल देता है। एज दे रीच्ड द कॉर्नफील्ड लार्ज वाइट बर्ड केम फ्लाइंग ओवर द फील्ड, जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, रीच्ड मतलब पहुँचते हैं, द कॉर्नफील्ड उस फसल के खेत में, अ लार्ज वाइट बर्ड केम फ्लाइंग, एक बड़ा सा वाइट बर्ड उड़ रहा होता है ओवर द फील्ड उस खेत के ऊपर से। डेविड टुक एम बट द टोड स्टॉप्ड हिम, डेविड उस पर निशाना लगाता है, टुक एम बट जो टोड है उसको स्टॉप कर देता है, रोक देता है, स्टॉप्ड हिम। प्लीज डोंट शूट मी आई बैग्ड द बर्ड, प्लीज डोंट शूट मी, मुझे निशाना मत लगाओ, मुझे मत मारो। बैग्ड द बर्ड, बैग्ड मतलब प्रार्थना करता है वो पक्षी। आई एम नॉट अ थीविंग बर्ड, मैं कोई चुराने वाला या चोर पक्षी नहीं हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। एंड इविल विच हैज टर्न मी इन टू अ बर्ड बिकॉज आई रिफ्यूज टू मैरी हर सन। एंड इविल विच मतलब बिच होती है ऐसी महिला, ऐसी कहानी बनाई होती है प्राचीन समय में बनती थी ऐसी कहानियाँ कि एक महिला जिसको बिच कह दिया जाता था और जो कि इविल मैजिक जानती है, इविल मतलब बुरी जादू जानती थी, पावर्स थी उसके पास, और वो उसको एक लड़की को जो है उसको वो बर्ड बना देती है क्योंकि वो उसके जो बेटा है उससे मैरिज करने से वो रिफ्यूज़ कर देती है, इनकार कर देती है। तो ये वो बर्ड कहता है। डेविड नाउ रियलाइज्ड दैट हिज विश वॉज कमिंग ट्रू, अब डेविड को विश्वास हो रहा था कि उसकी जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। कम विद मी वाइट बर्ड ही सैड, उसने कहा मेरे साथ आओ वाइट बर्ड सफेद पक्षी। आई विल टेक यू होम टू माई फादर, मैं तुम्हें अपने साथ घर अपने पिता के पास लेकर जाता हूँ। द फार्मर वॉज सरप्राइज टू सी डेविड कमिंग विद अ बर्ड एंड अ टोड, उसका जो फादर है हैरान हो जाता है, सरप्राइज मतलब हैरान हो जाता है, टू सी देखकर डेविड कमिंग विद द बर्ड एंड द टोड, एक पक्षी और टोड के साथ वो अपने फादर के पास पहुंचता है। फादर ही सैड, वो कहता है पिताजी आई हैव ब्रॉट यू द थीविंग एनिमल यू आस्क्ड फॉर, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस एनिमल को जो
आपने कहा था थीविंग एनिमल, मतलब एक चोर जानवर जो आपको आपने बोला था मुझे आज्ञा दी थी, बट इट इज़ रियली अ गर्ल होम एंड इविल विच हैज़ टर्न इंटू अ बर्ड। लेकिन यह एक गर्ल है, एक लड़की है जिसको इविल विच एक बुरी शैतान ने जो है जिस बर्ड बना दिया था या पक्षी बना दिया था। द फादर एंड द सन सॉ द बर्ड चेंज इंटू अ लवली यू बायो यू एन सी यंग यंग वूमेन राइट बिफोर देयर आइज। अब द फादर एंड द सन सॉ, दोनों देखते हैं कि जो बर्ड है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है एक प्यारी सी यंग वूमेन में और उनकी आंखों के सामने, राइट बिफोर देयर आइज। यू हैव सेव्ड माई कॉर्नफील्ड, तुमने मेरी फसल को बचाया है, सेड द फादर टू हिज यंगर सन एज आई हैड प्रॉमिस। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वादा किया था, एवरीथिंग आई ओन नाउ बिलोंग्स टू यू, जो भी मेरा है वो सब अब तुम्हारा है, ये उसका फादर उसको कहता है। डेविड मैरिड द यंग वूमेन, डेविड उस लड़की से जो शादी कर लेता है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली, सा वे लोग खुशी खुशी रहते हैं विद ओल्ड फार्मर एंड द स्मॉल टोड, उनके फादर और एक छोटा सा मेंढक साथ में वे लोग खुशी से रहते हैं। हिज टू जेलस ब्रदर्स रन ऑफ एंड वर नेवर सीन अगेन, उसके जो दो भाई थे जो उससे जलते थे वहाँ से चले जाते हैं और फिर वे कभी उस उनको जो है नहीं मिलते हैं, उनको नहीं दिखाई देते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन वन है, हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव नेम देम, किसान के कितने बेटे थे उनके आपको नाम बताने हैं। आंसर है द फार्मर हैड थ्री सन्स अल्बर्ट बॉब एंड डेविड, किसान के तीन बेटे थे अल्बर्ट बॉब और डेविड। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द फार्मर्स प्रॉब्लम, किसान की समस्या क्या थी। द फार्मर्स प्रॉब्लम वॉज अ थीविंग एनिमल हु वॉज डिस्ट्रॉइंग हिज कॉर्न, किसान की प्रॉब्लम ये थी कि एक एनिमल जो कि उनकी जो फसल थी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था, नष्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ द फार्मर प्लान टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, किसान ने अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या योजना बनाई। द फार्मर कॉल्ड हिज थ्री सन्स, अपने तीनों बेटों को उसने बुलाया एंड आस्क देम टू स्टॉप द थीविंग एनिमल, और उनसे कहा कि उस थीविंग एनिमल को रोके। व्हाट डिड द फार्मर प्रॉमिस्ड हिज सन, उसने अपने बेटों से क्या वादा किया। द फार्मर प्रॉमिस्ड हिज सन्स दैट ही विल गिव एवरीथिंग ही हैज़, उसने प्रॉमिस किया अपने बेटों से दैट ही विल गिव एवरीथिंग ही हैज़, उसके पास जो कुछ भी है वह उसे उसको देगा। टू द वन ऑफ देम, उन बेटों में से किसी एक को, हु स्टॉप द एनिमल, जो उस जानवर को रोकेगा। व्हाट डिड द टोड टेल इच ब्रदर, टोड हर एक जो भाई थे तीनों भाई उनसे क्या कहता है। द टोड सेड, टोड होता है मेंढक, तो उसने कहा इफ यू प्लान टू कैच द थीफ, अगर तुम चोर को पकड़ना चाहते हो, यू नीड टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात को सुनना चाहिए, मेरी बात को सुनने की ज़रूरत है। क्वेश्चन सिक्स, व्हाई वॉज द एल्डेस्ट सन अनेबल टू स्टॉप द थीफ, जो सबसे
बड़ा बेटा था वो उस थीव को उस चोर को क्यों नहीं पकड़ पाया? आंसर है द एल्डर सन वॉज अनेबल टू स्टॉप द थीव एनिमल बिकॉज ही हैड नॉट लिसन व्हाट द टोर सेड। वह उसे इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसने नहीं सुनी वो बात जो टोर कहना चाहता था। What did the second son do at the cornfield? दूसरा बेटा cornfield में जाके क्या करता है? The second son saw a large white bird in the cornfield. वह वहाँ जाके एक बड़ा सा white bird देखता है। He shot at it, but the bird escaped. वह उस पर निशाना भी लगाता है लेकिन वह बच जाता है, वह पक्षी जो है वहाँ से उससे बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंगेस्ट सन रीच्ड द कॉर्नफील्ड? क्या होता है जब सबसे छोटा बेटा कॉर्नफील्ड यानी कि फसल के खेतों में पहुँचता है? व्हेन द यंगेस्ट सन रीच्ड द कॉर्नफील्ड ही सॉ अ लार्ज लार्ज वाइट बर्ड फ्लाइंग ओवर द कॉर्नफील्ड। वह वहाँ जाके एक बड़े से वाइट बर्ड को देखता है, सफ़ेद रंग के पक्षी को फ्लाइंग ओवर द कॉर्नफील्ड जो उस खेतों के ऊपर से उड़ रहा होता है। द बर्ड बैग्ड टू नॉट शूट। वह पक्षी प्रार्थना करता है कि उसको न मारे। Why were Albert and Bob jealous of the youngest brother? क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो अल्बर्ट और बॉब है वे यंगेस्ट ब्रदर से सबसे छोटे बेटे से जेलस क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं? आंसर है अल्बर्ट एंड बॉब जेलस ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर बिकॉज देयर फादर गेव एवरीथिंग टू हिज यंगेस्ट सन। उनके फादर अपना सब कुछ यंगेस्ट जो उसका सन होता है उसको दे देता है। हु सेव्ड द कॉर्न जो फसल को बचाता है। व्हाट हैपन विद द फार्मर्स टू एल्डर सन इन द एंड ऑफ द स्टोरी? क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो दो बेटे हैं किसान के वह उनके साथ क्या होता है एंड में, स्टोरी के अंत में उनके साथ क्या होता है? आंसर द टू सन्स रन ऑफ एंड नेवर सीन अगेन। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड नेवर सीन अगेन, कभी उनको दोबारा नहीं देखा गया। इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं।